आइए हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार बाजार पर अपना व्यू और कुछ स्टॉक्स पर बात करने के लिए। बंसल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, सचिन जी एंड ऑफकोर्स आशु सर हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। जय ठक्कर भी हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सबका किया जाए स्वागत और क्लोजिंग शो में आपका स्वागत है। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल बीटीएस डबल टी। सचिन जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर ब्रिटानिया में काफी दिनों से एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज नजर आ रहा था एंड जिस तरीके से अभी भी इसने ओपन लो अपना मेंटेन किया हुआ है, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए 46.50 के टारगेट के लिए। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 45.25 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये लॉन्ग पोजिशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो खरीदारी करनी है ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करिए 46.50 ये आपके लिए टारगेट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर भी थोड़ा रोटेशन आ रहा है। देखिए चार्ट पर एक बार सचिन जी से जरा चार्ट पर राय ले लें। सचिन जी चार्ट देखें सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पर है इस समय, निफ्टी को भी ऊपर लाने में इसका पूरा योगदान इस समय दिख रहा है सर। दीपांशु, यहाँ पर दो स्टॉक्स पे नजर है, इनफैक्ट ITC एंड रिलायंस दोनों का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है पिछले चार दिनों का अगर हम डेटा देखें। बट रिलायंस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा है। 2300 के आसपास जो एक इसने बेस बनाया है, वो बेस का वापस अच्छा एक रिकन्फर्मेशन हुआ था एंड जिस तरीके से अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काटने की तैयारी कर रहा है काउंटर, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी पुल बैक रैली बनेगी। जो मोमेंटम फिलहाल नजर आ रहा है वो लगभग मुझे लग रहा है 2400-2430 तक भी एक्सटेंड हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर जरूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। एंड जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है, तो मुझे लग रहा है 2320 के नीचे स्टॉप लॉसेस होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। ये स्टॉप लॉसेस आप क्लोजिंग बेसिस पे लगाएं एंड 2400-2420 के रेंज में जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू कीजिए। ओके, रिलायंस और आईटीसी दो दिग्गजों पर रखनी है आपको नजर, ये आपके लिए राय बन रही है सचिन जी की तरफ से। थोड़ा एक्शन बना हुआ है बाजार में और दिग्गज स्टॉक्स का आपको सहारा भी दिख रहा है। इस पॉजिटिव मूड के साथ विदा लेने का वक्त है। धन्यवाद।